अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका दोस्त शकील और आज हम आपको करवाएंगे लाहौर की सैर जो आपने कभी पहले नहीं की होगी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक इन द व्लॉग एंड यू आर वाचिंग मी। और ये बहुत ही चैलेंज होता है कि आप एक पब्लिक में ब्लॉग बना रहे हैं और इस वक्त मैं वाकई ही पब्लिक में हूँ और इसके लिए थोड़ा था ना शर्म को उतारना पड़ता है और मैं पहले शाही पर्सन हूँ। हाँ, अब आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं लोगों के बारे में। अच्छा, अभी एक भाई कह रहे हैं मुझे भी ब्लॉग में लाएँ, आप इनको देखें ज़रा इनकी स्किल चेक करें। आप ये क्या बेच रहे हैं? ये भाजी रोटी वाले पॉट पॉट सेट हैं, पंजाबी में इसको कहते हैं रोटी वाले कुजे। और इनका क्या बेनिफिट होता है? सर ये इसमें रोटी डालें आपकी रोटी नरम रहेगी, ताज़ा रहेगी, गर्म रहेगी। और ये कितने का दे रहे हैं आप? ये 250 का दे रहे हैं सर, पर पीस। पर पीस 200 तक कस्टमर ले जाता है, बहुत आला चीज़ है। ये आप कब से बेच रहे हैं? सर मुझे 8 साल हो गए इसी काम में। इसी काम तो ये आप खुद बनाते हैं? सर ये बने बनाए लेके आते हैं। बने बनाए लेके आते ऐसा सारा खिलाड़ा पै जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। और ये जो आप मेरे पीछे ब्यूटीफुल सी मस्जिद देख रहे हैं, ये वज़ीर ख़ान मस्जिद है और ये बहुत ही प्यारी है। अब इसके अंदर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे और आप इसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा। और ये मस्जिद भाई रोड है उससे थोड़ी सी नीचे है क्योंकि पुरानी है, जब ये बनी थी तब ये बहुत ऊंची थी, इसकी मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। लेकिन हिस्टोरिकल फ़ोटो है इसकी। और अब रोड थोड़ा ऊपर हो गया है और ये थोड़ी नीचे हो गई है और देख सकते हैं आप, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, मोस्ट ब्यूटीफुल मस्जिद एवर। अब इसके अंदर भी जाके अंदर भी अंदर से भी दिखाते हैं। यहाँ पे जब भी आएँ आप अपने जूते आप यहाँ पर रखें, 10 रुपये का एक जूता रखें, यहाँ सेफ रहता है, बंदा कंफर्टेबल रहता है, बंदे को टेंशन नहीं होती, वरना जूते चोरी हो गए तो समझ लें आप नंगे पहुँच जाएंगे अपने घर। दिल को खुदा की याद का, दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। बरकत हजार साल में लाती है ये नमाज। अच्छा, मैंने अभी आपको दिखाया था वो कुछ लोग आए थे शूटिंग कर रहे थे मस्जिद में, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया चेंज हुई है। लास्ट टाइम मैं आया था तो तब तो नहीं था कुछ, लेकिन अब जो है ना वो कैमरा अलाउ नहीं कर रहे, तो मैंने भी भांजा आया था मेरे साथ मेरा, तो मैंने उससे बाहर भेज दिया कैमरा ले गया। मोबाइल है मेरे पास और ये मोबाइल का है फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट है, और ये मेरे पास जो मोबाइल है ये स्पेशल एडिशन है आईफोन SE, सॉरी। सो ये इसका रिज़ल्ट देख रहे हैं आप, शायद मेरी आवाज़ आपको ठीक ना आ रही हो। और अभी वैसे भी जमात का टाइम है, लोग वज़ू कर रहे हैं यहाँ पे और लोग आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। दैट्स इट। अब इस प्यारी सी मस्जिद से रूहानी सुकून हासिल करके अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाने से पहले मैं आपको एक जगह दिखाना चाह रहा हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, अब हम इस जगह मौजूद हैं जहाँ पे जुनेजो का पेप्सी का ऐड बना था, ये वाला, ये सारा वो एरिया है मुगलपुरा, मुगलपुरा नहीं ना, ये फोर्ट्रेस स्टेडियम, फोटो स्टेडियम के बैक साइड पे है। यहाँ पे सारी पुरानी पुरानी ट्रेनें खड़ी हुई हैं और यहाँ पे हम आए हैं शूट करने के लिए और यहाँ पे सारे लोग खेल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा थका था शूट हुआ है क्योंकि मुझे लगी है भूख और मैंने जाना है अब घर, और मैं अकेला बंदा हूँ शूट कैसे करूँगा, भांजा मेरे साथ है, इसे ये कर नहीं रहा मेरा, तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं बाद फिर।
रुके रुके, अभी मेरा व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ। आपको पता है आपका भाई एंड में खाता ज़रूर है कुछ भी।